दाल दी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कट फ्लावर के रूप में किसान भाई इसकी खेती करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो मानसून है वो दस्तक दे चुकी है और आजकल इसकी गुलदावदी की जो कटिंग है वो लगाने का बहुत ही सही समय है। और गुलदावदी की कटिंग लगाते वक्त आप ये ध्यान रखें कि जो मदर प्लांट्स है, जो पिछले वर्ष आपने जिससे इससे कटिंग लेनी है, वो कटिंग लगभग 4 से 6 इंच की होनी चाहिए। और वो सॉफ्ट वुड कटिंग आप पौधे से तोड़ें और उस सॉफ्ट वुड कटिंग को पौधे से तोड़ने के बाद आप नीचे की पत्तियां हटा दें और सिर्फ 2 पेयर 4 पत्तियां आप ऊपर वाली रखिए और इसको आप नीचे से सीधा कट दे करके और इसको कोकोपीट 2 हिस्सा, परलाइट 1 हिस्सा, वर्मिकुलाइट 1 हिस्सा, 2:1:1 इसको कोकोपीट परलाइट वर्मिकुलाइट को आप ट्रे में भरने के बाद इसकी आप कटिंग लगाएंगे। और कटिंग का जो निचला हिस्सा है उसको यदि आप सेराडेक्स रूटेक्स जो मार्केट में एक सफ़ेद पाउडर के तौर पे बीज और खाद की दुकान पर मिलता है और बहुत छोटी सी एक डब्बी होती है जो कि 150 रुपये की आ जाती है, उसमें क्या होता है कि वो रूटेक्स है, वो रूटिंग हार्मोन है। और रूटिंग हार्मोन को आप लगा करके सफ़ेद पाउडर के तरह का होता है, उसको आप निचले हिस्से को आप गीला करके लगाएंगे और उसके बाद इसको आप मीडिया में मिश्रण में ट्रे में जब कटिंग लगाएंगे तो उसकी जो रूटिंग है वो भली भांति से फले फूलेगी। इसके साथ साथ यदि आप व्यावसायिक दृष्टि से और बहुत ही बड़े पैमाने पर यदि इसकी खेती करते हैं या नर्सरी में इसके बहुत अधिक पौधे आप बनाते हैं तो मैं यहाँ पर ये सुझाव देना चाहूँगा कि आप जो प्योर टाइप का हमारा इंडोल ब्यूटायरिक एसिड है जिसको कि हम ग्रोथ हार्मोन या रूटिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, उसका आप सॉल्यूशन बना लें और सॉल्यूशन आप 1500 ppm का बनाएं। 1500 ppm का मतलब हुआ 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम प्रति आप लीटर के हिसाब से सॉल्यूशन बना लें और आप एक बोतल में उस सॉल्यूशन को रख लें। और जितनी भी आप सॉफ्ट वुड कटिंग पौधे से तोड़ के लाएंगे मदर प्लांट से, उनको आप उसका निचला हिस्सा उससे ट्रीट करें और उसके बाद लगा दें। देखिए कि सबके पास कोकोपीट भी नहीं, परलाइट भी नहीं, वर्मिकुलाइट भी नहीं, तो दूसरा जो इसका विकल्प है वो है कि आप रेत में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। जो बालू रेत होता है, जो नदी का जो रेत होता है ठंडा होता है, तो आप उसमें लगा सकते हैं। वो भी आपके आसपास नहीं है तो आप इसको, एक मैं बताऊंगा कि धान का जो छिलका है और जितने भी हमारे राइस मिल हैं उस छिलके को जला करके जो उसकी राख होती है उसमें भी इसकी कटिंग लगाई जा सकती है और ये कटिंग आपकी लगभग 3 से 4 सप्ताह में तैयार हो जाएंगी। और तैयार होने के बाद आप देखेंगे कि नीचे से जड़ बन चुकी होंगी और उसके बाद आप उसकी खेत में रोपाई करें, गमले में लगाएं या अपनी क्यारी में लगाएं और ये फिर आपका शरदकालीन मौसम में जो गुलदावदी है वो आपका फूल देगा। और इसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं और इसमें खास करके टाटा सेंचुरी, स्नोबॉल वाइट, स्नोबॉल येलो और भी बहुत सारे प्रकार की, जैसे कि हमारी पूसा सेंटनरी है वो भी एक अच्छी वैरायटी है, पूसा श्वेत है। आप खास करके जब कटिंग लगाते हैं या कटिंग लगा चुके होते हैं तो उसके बाद आप देखें कि बरसात में इन पौधों को ना रखें, इन ट्रे को थोड़ा सेमी शेड में रखें, बरांडे में रखें, थोड़ा सा प्रोटेक्टेड जगह पर रखें ताकि इसमें डायरेक्ट पानी ना गिरे, अदरवाइज इसका जड़ों का सड़ने का जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है और इसमें डैम्पिंग ऑफ की बीमारी भी आ जाती है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसमें डाइथेनमे 45 का एक स्प्रे करें या इसको सुखा के रखें या बीच बीच में आप राख या रेत या बालू रेत, सूखा रेत आप इनकी ऊपर की सतह में या थोड़ा सा जड़ों में डालते रहें तो सड़ने की जो समस्या है उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है।